मुझे अच्छा लगता है अपने पिता की या अपने परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत करना। कई बार मैं गिरजा घर चला जाता हूँ और चुपचाप एकांत में बैठ जाता हूँ। एक बार मैंने परमेश्वर के वचन को खोला, इब्रानियों 11 अध्याय 6 वचन में जहाँ लिखा है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो एक क्षण के लिए मुझे ऐसा चित्र नजर आया जैसे पिता बहुत खुश है, आनंदित है, प्रसन्न है और विश्वास उसे बहुत खुश, प्रसन्न और आनंदित करता है। मैंने पूछा, पिता तुझे किस तरह का विश्वास पसंद है, क्योंकि मैं चाहूंगा कि मैं भी ऐसे ही विश्वास में चलूं। क्योंकि हमारे पास हर तरह का विश्वास हो सकता है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग विश्वास, हमारी परिस्थितियों के अनुसार विश्वास। तो मैंने कहा, प्रभु मैं सच में वो विश्वास चाहता हूँ जो तुझे प्रसन्न करने वाला हो। मैं उस गिरजाघर में ये बातें कह रहा था वचन को पढ़ते हुए बिल्कुल एकांत में, तभी जोरदार वजन के साथ वचन मेरे हृदय में उतर आया और वो वचन था, एक पिता के समान मुझ पर विश्वास कर। मैं जब वहां बैठा था तो मुझे लगा मैं देख रहा हूँ। मैंने देखा या मैंने कल्पना की कि मेरी दो बेटियां हैं, तो पहली मेरे पास आती है, डैडी डैडी मुझे नए जूते चाहिए, क्या आप मेरे लिए लाओगे? हाँ हाँ जरूर मेरी बेटी, क्यों नहीं, क्या कुछ और चाहिए? हाँ और एक जोड़ी मोजे भी, ठीक है वो भी मिल जाएंगे। और अगले 10 मिनट में वो 10 बार मेरे पास आती है और वही प्रश्न दोहराती है, डैडी डैडी क्या आप मुझे जूते दोगे, डैडी क्या आप मुझे मोजे दोगे। मैं कहूंगा ये क्या बात है, मैंने तुम्हें हाँ कहा है, तुम्हें मेरे प्रबंध पर भरोसा नहीं है, मेरी सुरक्षा पर, मेरे वायदे पर और मेरे प्रेम पर क्या भरोसा नहीं है? और मैं इस तरह ही सोचूंगा। पर उधर मेरी दूसरी बेटी मेरे पास आती है और कहती है, डैडी डैडी मुझे आपसे कुछ चीजें चाहिए होंगी, डैडी मुझे बहुत सारी चीजें लेनी है, मेरी लिस्ट बहुत लंबी है। पर कुछ देर उसे एक तरफ रखिए, डैडी मुझे आपके हाथ नहीं आपका चेहरा चाहिए, डैडी मैं जानती हूँ आप मेरी देखभाल कर सकते हो, आपके वचन में लिखा है आप आकाश के पक्षियों की देखभाल करते हो, आप उन्हें वस्त्र पहनाते हो, आपके सामने मेरा मूल्य उनसे कहीं अधिक है। तो डैडी हाँ मुझे कुछ चीजें जरूर चाहिए, आप इन चीजों के बारे में जानते हो, पर डैडी मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ, बस आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि पिता आप बहुत अच्छे हो, डैडी मुझे आपसे प्रेम है। तो पिता क्यों नहीं हम कुछ देर के लिए एक साथ रहें, अभी मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए क्योंकि आप अच्छे हो। मुझे लगा जैसे उस क्षण मेरे दिल में एक जोरदार विस्फोट हो गया। मैं उठकर खड़ा हो गया, गिरजाघर से बाहर निकला और मैंने कहा, यीशु बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इस बात को तुरंत समझ लिया कि मुझे प्रभु के साथ और अधिक गहराई से और समय व्यतीत करना है। पिता के समान हम उस पर भरोसा रखें, वही उपाय करता है, वही सारी दुनियावी चीजें मुहैया करता है, पर इन सबसे बढ़कर मेरा विश्वास उस पर पिता के समान है, उस पर मेरा भरोसा श्रेष्ठ मित्र के समान है। सच में मेरे दोस्त, उसे पहला स्थान दे, उसके साथ चले, समय व्यतीत करें, उसमें आनंदित रहें, वो सब चीजों की देखभाल करेगा। पर सबसे बढ़कर उसको खोजें, उसके साथ रहें, उसके प्रेम को स्वीकारें, उस पर भरोसा रखें, उसके वचन पर विश्वास करें और सब कुछ ठीक होता जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे, आप संपूर्ण ढंग से अपने प्रभु पर अपने पिता के समान भरोसा रखें। यीशु के नाम में आमीन।